नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सुबह के वक्त 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुले तो हो जाइए सावधान। इसका सीधा सा मतलब क्या आप जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि 3 से 5 बजे के बीच नींद का खुलना शुभ भी होता है और कुछ लोग इसे अशुभ भी मानते हैं। ऐसा क्या होता है कि हमें इस पर सोचना शुरू कर देते हैं? दोस्तों, जब यह सृष्टि बनी तो कुछ बातों का जवाब उसी समय गुम हो गया जिसका आज तक किसी को पता नहीं लगा, लेकिन पुराने वेदों ग्रंथों में इस बात का जवाब ढूंढने पर मिल जाता है कि आखिर 3 से 5 बजे नींद खुलना आपको सावधान होने के लिए कहता है या नहीं। आज हम इस पर बात करेंगे और जानेंगे। अगर आप भी इस बात को जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और वीडियो को देखते रहें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर भी जरूर क्लिक कर दें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को देख पाए। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो जो आपने नींद में या सपने में देखा होगा वह सच होगा, क्योंकि दिन में जो भी हमारे साथ होता है उसमें ईश्वर की मर्जी होती है और आपको या तो शुभ या अशुभ संदेश मिलते हैं। अगर इस संदेश को आस्था के साथ समझा जाए तो स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाती है। 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। इस समय देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपकी जीवन की तमाम इच्छाओं की पूर्ति भी होती है, और इस समय आप भी अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा को भर सकते हैं और ईश्वर के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाकर आप ईश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह नींद 3 से 5 बजे के बीच में खुलने पर अगर आप दोबारा से सो जाते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपको नींद से जगाना किसी देवता का आशीर्वाद पाने के लिए इशारा होता है, और अगर आप वापिस से सो जाते हैं तो आप अपनी किस्मत को ठुकरा देते हैं। ऐसा करने से आप अपनी किस्मत को बदकिस्मत में बदल लेते हैं और आप परेशानियों का सामना करते हैं। और अगर 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलती है तो स्नान आदि करने के बाद आप मां लक्ष्मी या गणेश जी या ओम नमो शिवाय का मंत्र का जाप करें। ऐसा करना आपके भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा और आपको जीवन की तमाम खुशियां मिलेंगी। दोस्तों, 3 से 5 बजे नींद से उठने वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। यह कृपा स्वयं देवी की कृपा से व्यक्ति पर होती है। अगर आप नहीं उठते तो समझिए जीवन में दुखों का पहाड़ टूटना तय है और जीवन में परेशानी का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर 3 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नींद आपकी खुले तो जीवन में सुखों का अंबार लगेगा, नहीं तो जीवन में परेशानियों को सहने के लिए आप तैयार हो जाएं। इस प्रकार सुबह 3 से 5 बजे नींद का खुलना आपको सावधान करता है कि आप अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं और जीवन को खुशनुमा कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मैं कुछ नए नुस्खे कुछ नए उपाय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।